नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। राजधानी दिल्ली से दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना राजधानी दिल्ली के लाजवंती गार्डन की है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल यह पूरा मामला जनवरी महीने का है। इस संदर्भ में एक लड़की थाने में एक शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत यह दर्ज कराती है कि उसके ही नाम का कोई फर्जी प्रोफाइल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है और आए दिन उसके ही प्रोफाइल से अश्लील मैसेजेस कई लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में उस लड़की को भी नहीं पता था। जब अश्लील वीडियोज उसके ही प्रोफाइल से वायरल हुए और कई लोगों के कमेंट उसके पास पहुंचे तो वह भी हक्की बक्की रह गई। जब उसने देखा तो उसी समय उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वही बता दें कि जो आरोपी है जिसका नाम रोहित है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहित ने यह बताया है कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती उस लड़की से हुई थी। उसने उस लड़की से प्रेम प्रस्ताव भी दिया था लेकिन उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया, जिससे वह काफ़ी परेशान भी चल रहा था। उसे मनाने के सभी प्रयास किए लेकिन जब लड़की ने इनकार कर दिया तो उसने यह ठाने कि उसे वह बदनाम कर देगा। उसे धमकियाँ भी दी लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसी लड़की के नाम का एक फर्जी प्रोफाइल उसने बनाया और उससे कई लोगों को अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो लड़की को भी पता नहीं चला लेकिन जब बहुत सारे कमेंट्स उस लड़की के पास पहुंचे तो वह भी हक्की बक्की रह गई। जब उसने इस संदर्भ में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस भी सक्रिय हो गई। इस संदर्भ में आईटी सेल का भी गठन किया गया और रोहित नाम के शख्स पर आईटी सेल की निगरानी रहने लगी और बराबर उस पर निगरानी रहने लगी। जब भी उस फर्जी प्रोफाइल से कुछ भी चीजें भेजी जा रही थी आईटी सेल की निगाहें रहती थी। फिर रोहित को तकरीबन 2 दिन पहले लाजवंती गार्डन से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जब मामले की पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि उसने यह बदले की भावना से किया है। वही बता दें कि आए दिन सोशल मीडिया के जरिए आए दिन ब्लैकमेल जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा था एक खागोन से खबर आई थी जिसमें एमएलए के बेटे भी शामिल थे। दरअसल बता दें कि दीपक नामक एक शख्स ने एक लड़की से फेसबुक के जरिए दोस्ती की और उसे होटल में बकायदा मिलने के लिए भी बुलाया और जूस में नशे की गोली दे दी और उसके साथ बकायदा दुष्कर्म भी किया और उसके साथ 6 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया और बकायदा एक वीडियो भी बनाया और लड़की को धमकी भी दे डाली कि अगर तुम अपने माता पिता या पुलिस में शिकायत दर्ज कराओगे तो इस वीडियो के जरिए तुम्हें वायरल कर देंगे। लड़की सहम जाती है और अपने माता पिता को नहीं बताती है और आए दिन उस वीडियो के जरिए वो उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि उस वीडियो के जरिए उन्होंने 15,78,000 रुपये भी उस लड़की से ऐड चुके थे लेकिन उसके बाद जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो उस आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इस घटना से एक चीज़ जाहिर होती है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। चाहे वो सोशल मीडिया हो या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो, सतर्क होकर इस्तेमाल करें और जिससे भी दोस्ती भी करें उसके बारे में जाने पहचाने तभी दोस्ती करें। इस वीडियो के संदर्भ में हमारे व्यूवर्स के क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।